हिमालय रिवर का थर्ड टॉपिक है। ठीक है, मैंने तीन टॉपिक बोला था पढ़ाने के लिए हिमालय में। पहला था इंडस, दूसरा गंगा, तीसरा ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो ये थर्ड टॉपिक चल रहा है हमारा ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र रिवर हिमालय की यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से तीन रिवर निकलती थी। मैंने आपको बताया था मानसरोवर से इंडस रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर और सतलज रिवर। ठीक है, तो इंडस रिवर कंप्लीट हो गया, गंगा रिवर सिस्टम भी कंप्लीट हो गया। अब हम ब्रह्मपुत्र रिवर कंप्लीट करके सीधा प्रायद्वीपीय नदियों पे चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर। आप लिखिए ब्रह्मपुत्र ड्रेनेज सिस्टम, ब्रह्मपुत्र ड्रेनेज सिस्टम। तो ब्रह्मपुत्र ड्रेनेज सिस्टम में हम पढ़ने वाले क्या है, क्या पढ़ने वाले? ब्रह्मपुत्र ड्रेनेज सिस्टम में हम पूरी तरह से ब्रह्मपुत्र के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, इन्फॉर्मेशन लेंगे कि ब्रह्मपुत्र रिवर कहाँ से निकलती है, कहाँ पे खत्म होती है, उनमें से कौन सी उनकी सहायक नदियां हैं, उन सहायक नदियों में कहाँ से निकलती है सहायक नदियां, ठीक है, उन सहायक नदियों के नाम क्या है, प्लस सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है ब्रह्मपुत्र रिवर, गंगा रिवर कहाँ बनाती है, कैसे बनाती है। तो ये सारे पॉइंट्स हम आज क्लियर करेंगे। ठीक है, मैं आप लोग को एक बात ये भी बता देना चाहता हूँ कि जो आप मेरे लेक्चर देखते हैं इनके बेसिस पे मैं क्वेश्चंस बनाने वाला हूँ। मतलब जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं उधर से उठा के मैं क्वेश्चन बनाऊंगा और आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगा, आपको उस पर क्लिक करके जाना पड़ेगा और वहां पे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेगा। अगर आपने मेरे पूरे लेक्चर देखे होंगे तो आपको आसानी से वो सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। अगर आप लेक्चर मिस कर रहे हैं, आप अपने नोट्स को रिवाइज नहीं कर पा रहे तो आप नहीं कर पाएंगे। ये मैं जल्द ही करने वाला हूँ, ठीक है, बस थोड़ा टाइम लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपने लिख लिया ब्रह्मपुत्र, पहला पॉइंट लिखिए, ब्रह्मपुत्र रिवर यह तीन कंट्री से होकर गुजरती है। पहला चाइना, चाइना का तिब्बत, चाइना का तिब्बत, दूसरा इंडिया, तीसरा बांग्लादेश, इन तीनों देशों से होकर गुजरती है। अगर बात की जाए इसकी लंबाई की तो इसकी लंबाई कितनी है, 2900 किलोमीटर। मैंने आपको लिखवा के दिया था लंबाई के बारे में, पांच नदियों के, पहले ब्रह्मपुत्र रिवर है, ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है 2900, उसके बाद मैंने गंगा लिखाया था, ठीक है, फिर इंडस रिवर के बारे में लिखाया था, फिर यमुना, गोदावरी, फिर यमुना, ठीक है, इस तरह से मैंने आपको पूरी लंबाई की लिस्ट बताई थी। आप जाके पिछले वीडियो में अगर नहीं देखा है तो पिछले वीडियो में देख के आइए। ठीक है, तो आपने लिख लिया इसकी लंबाई कितनी है 2900 किलोमीटर। अगर बोला जाए कि इंडिया में कहाँ फ्लो करती है, इंडिया में किन राज्यों में फ्लो करती है, तो इंडिया में अरुणाचल प्रदेश, असम और फिर मेघालय, ठीक है, इनमें फ्लो करने के बाद कहाँ कहाँ मिल जाती है, बंगाल की खाड़ी में। चलिए, तो अब थर्ड पॉइंट आप लिखेंगे, ब्रह्मपुत्र रिवर यह मानसरोवर से निकलती है, मानसरोवर के झील से निकलती है, एक नाम और उसको बोला जाता है, हाँ, चेमा युंगडुक, ठीक है, चेमा मानसरोवर के चेमा युंगडुक से निकलती है और फिर अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है, फिर असम में फ्लो करने के बाद मेघालय से फिर बांग्लादेश में मिल जाती है। तो स्टार्टिंग से बात करते हैं, तो आपने लिख लिया मानसरोवर से निकलती है, आगे पॉइंट कंटिन्यू करना है, मानसरोवर में यह 1700, मानसरोवर अर्थात तिब्बत में यह 1700 किलोमीटर फ्लो करती है, सबसे लंबा रास्ता तय करती है, 1700 किलोमीटर दूरी तय करती है समांतर, किसके समांतर, बृहद हिमालय के समांतर 1700 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उसके बाद यह अरुणाचल प्रदेश में किस गर्ज से एंट्री मारती है, दिहांग गर्ज इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दिहांग गर्ज। देखो ये माउंटेन है हमारा, इस तरह से माउंटेन होता है, इस माउंटेन को ये क्या करती है, ये माउंटेन है, इस माउंटेन को बीच में ये रास्ता बना देती है, बार बार फ्लो करके करके यहाँ पे एक गर्ज का निर्माण कर देती है, क्या कर देती है, गर्ज, मतलब दो माउंटेन के बीच में रिवर फ्लो करना स्टार्ट करती है। तो यहाँ पे वो एंट्री करती है, इसको बोलते हैं दिहांग गर्ज, नाम याद रखना, दिहांग गर्ज किधर है, ये नामचा बरबा पर्वत पे, मैंने आपको बताया था बृहद हिमालय, यही पे बृहद हिमालय खत्म होता है ना, नंगा पर्वत से लेके नामचा बरबा तक बृहद हिमालय की लंबाई है, इसी बृहद हिमालय के पास दिहांग गर्ज का निर्माण करती है, कौन, ब्रह्मपुत्र रिवर। दिहांग गर्ज कैसे बनता है, पहले माउंटेन था, माउंटेन को काट करके वो एक गैप बना देती है जिसको बोलते हैं दिहांग गर्ज। चलिए, दिहांग गर्ज से एंट्री करने के बाद इसका नाम दिहांग हो जाता है, अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम दिहांग हो जाता है, कब, आगे लिखिए कब, तब जब इसमें दो रिवर और मिल जाती है, दो रिवर मिलने से, जिसका नाम है, दो रिवर का नाम क्या है, दिबंग एंड लोहित, दिबंग एंड लोहित, दिहांग नहीं दिबंग, दिबंग एंड लोहित किस जगह पे मिलती है, सदियां आपको लिखना है, अरुणाचल प्रदेश में एंट्री मारते ही या फिर अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करते ही दो रिवर दिहांग एंड लोहित, ये दोनों रिवर इसकी सहायक नदियां
यह साधिया पे इनसे मिल जाती है, जिससे सांगपो रिवर का नाम क्या है, किसमें बदल जाता है, दिहांग रिवर। अरुणाचल प्रदेश में इसको किस नाम से जाना जाता है, देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सांगपो इन तिब्बत में, देखो कितना नाम है, ब्रह्मपुत्र रिवर के कितने सारे नाम है, याद रखना आपको सारे नाम। इन तिब्बत में सांगपो बोला जाता है, जैसे अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है लोहित एंड दिबंग एंट्री मारती है इसमें, उसका नाम हो जाता है दिहांग रिवर, किधर, अरुणाचल प्रदेश में। कुछ दूरी तय करने के बाद असम में इसको ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है, असम के घाटी, असम में ऐसा है, ऐसा घाटी का निर्माण है असम में, ठीक है, इस तरह से घाटी है यहाँ पे, और वहां पे पानी का जो स्पीड है बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है और बहुत बड़े एरिया में फ्लो करती है ये, ठीक है। तो आपने नाम लिख लिया, और इसको बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, जमुना नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलो तो ये आप देख लेना, हम यहाँ पे पहुंचे थे, मैं कंटिन्यू करता हूँ। सदिया में मिलने के बाद यह कुछ दूर तक किस में फ्लो करती है, असम घाटी में फ्लो करती है, असम घाटी में फ्लो करती है, और फिर असम घाटी में कुछ दूर फ्लो करते ही ये कहां पे जाके फ्लो करते ही, यहाँ पे मेघालय में या शिलांग में इसको एक रिवर मिलती है, यहाँ पे एक रिवर मिलती है, यहाँ पे एक रिवर मिलती है, इसको मानस रिवर बोलते हैं। मानस रिवर से मिलने के बाद मानस रिवर यह भूटान से निकलती है, आप देख लिए ब्रैकेट में भूटान से निकलती है। मानस रिवर से मिलने के बाद यह आगे गतिशील होती है, आगे गतिशील होने के बाद यह तिस्ता रिवर से मिलती है, तिस्ता रिवर से मिलती है, ब्रैकेट में लिख लीजिए, तिस्ता रिवर यह कहां से निकलती है, जम्मू ग्लेशियर से, ठीक है, यहाँ पे जम्मू ग्लेशियर है वहां से निकलती है, जम्मू ग्लेशियर से निकलती है तिस्ता रिवर, और फिर कहां पे मिलती है, बांग्लादेश में यह ब्रह्मपुत्र रिवर से मिल जाती है, ब्रह्मपुत्र रिवर से नहीं मिलती, जमुना रिवर से मिलती है, क्यों, क्योंकि बांग्लादेश में इसको किस नाम जाना जाता है, जमुना रिवर से, जैसे यह बांग्लादेश में एंट्री करती है इसका नाम जमुना हो जाता है। अब यह जमुना बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद कुछ दूर फ्लो करती है और फिर इससे गंगा रिवर आके मिलती है, गंगा रिवर नहीं पद्मा रिवर, क्यों, क्योंकि बांग्लादेश में गंगा रिवर को पद्मा रिवर के नाम से जाना जाता है, पश्चिम बंगाल में इसको भागीरथी के नाम से जाना जाता है, जैसे ये एंट्री मारती है बांग्लादेश में इसका नाम पद्मा हो जाता है। आगे कंटिन्यू करते हैं, जैसे जमुना रिवर पद्मा रिवर से मिलती है उसी समय के थोड़े दूर के बाद आप देखोगे कि यहां से एक रिवर आती है, इसको बानस रिवर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बानस रिवर। यह बानस रिवर जब ब्रह्मपुत्र से मिलती है, यहाँ पर इन दोनों का मिलाप हुआ ब्रह्मपुत्र, और फिर इससे जब मिलाप होता है तो इसका नाम मेघना हो जाता है, और यह मेघना बनके बे बंगाल में मिल जाती है, या मेघना बनने के बाद डेल्टा बनाती है। तो आपसे पूछा जाएगा कि बांग्लादेश में कौन सी डेल्टा बनाने के बाद कौन सी रिवर बे बंगाल में मिलती है, तो कौन सी, मेघना रिवर। यहाँ पे देखो आपको मैंने डायग्राम बना के दिया हुआ, ठीक है, यहाँ से पद्मा रिवर आ रही है, पद्मा रिवर यहाँ से बराक, सॉरी बानस नहीं बराक है, ठीक है, बराक नाम है उसका, बराक तिस्ता, यहाँ से तिस्ता रिवर आती है और मानस रिवर यहाँ से आती है, मैंने बताया ना तिस्ता कहाँ से आती है, जम्मू ग्लेशियर से, ये भूटान से आती है, भूटान से ब्रह्मपुत्र में मिलने के बाद दोनों रिवर कुछ दूर फ्लो करती है और फिर यहाँ पे मिल जाती है, पद्मा रिवर से मिलने के बाद कुछ दूर फ्लो करती है, फिर बराक आता है, बराक मिलने के बाद इसका नाम मेघना हो जाता है, और मेघना बनके बे बंगाल में ये गिर जाती है, ठीक है। तो अगला पॉइंट लिखिए, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर बनाती है कहां पे, बांग्लादेश में, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, ठीक है, डेल्टा का मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ था, डेल्टा का मतलब होता है ऐसे जो रिवर अपने पानी को इधर उधर छाड़ दे, मतलब बांट दे, क्यों, क्योंकि उसकी गति बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से उनके रिवर के जो पानी होते हैं वो इधर उधर दिशाओं में भागना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है, ये लिख लिया आप लोगों ने, इसको लिख लिया कि कहां पे कितना फ्लो करती है, तो 1700 किलोमीटर तिब्बत इन समांतर, किसके, बृहत हिमालय के समांतर फ्लो करती है, 900 किलोमीटर इन इंडिया, 300 किलोमीटर बांग्लादेश में, अरुणाचल, असम, बांग्लादेश, इन तीन स्टेट में ये फ्लो करती है, ठीक है, बांग्लादेश, असम, अरुणाचल, अरुणाचल में आने के बाद असम में जाती है, फिर बांग्लादेश, बांग्लादेश में इसका नाम जमुना हो जाता है, असम में इसका नाम ब्रह्मपुत्र होता है, अरुणाचल में इसका नाम दिहांग होता है, जब इसे दिबंग रिवर और लोहित रिवर मिलती है तब, ठीक है। इनकी सहायक नदियां हैं, आगे पॉइंट में लिखिए, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां दिबंग, लोहित, धनश्री, सुबनश्री, ठीक है, जिया भरेली, मानस, तिस्ता, पिथुमरी, एक और है पगला दिया, ठीक है, ऐसे बोलते हैं, थोड़ा नाम हंसने वाला है बट पढ़ना तो है ही है, पगला दिया, ठीक है, पगलवा दिया पूरा, पगला दिया इसकी सहायक नदियां हैं, ठीक है, चलिए।
तो आप यहां पे इसको लिख लीजिए, लिखना है तो पगला दिया, ठीक है। चलिए तो ये इनकी सहायक अधिया हो गई। ब्रह्मपुत्र रिवर को रेड सी बोला जाता है, रेड रिवर ऑफ इंडिया, रेड रिवर ऑफ इंडिया मतलब रेड नदी बोले, लाल नदी बोली जाती है इसको। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। उपजाऊ मिट्टी क्यों पाई जाती है मैं आपको बताता हूँ, आप ध्यान से सुनिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो ये आपको समझ गया आएगा, मैं यहाँ पे ये रख, ये मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था, ये हमारा असम घाटी है, ठीक है। क्या है? असम घाटी। असम घाटी पे ये जो रिवर है वो बहुत बड़ा रिवर बनाती है, नदी बनाती है, ठीक है। और यहाँ पे बहुत ज्यादा अधिक एरिया कवर करती है, और यहाँ पे बहुत ज्यादा आइलैंड पाए जाते हैं, द्वीप जिसको बोलते हैं द्वीप आइलैंड, यहाँ पे बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। अगला पॉइंट आप लिखेंगे, पहले ये लिख लीजिए, फिर मैं बताता हूँ कि यहाँ पे रेड रेड सॉइल की उसको बोलते हैं। पहले आप लिखिए कि यहाँ पे बहुत ज्यादा द्वीप पाए जाते हैं, जिसमें से माजुली द्वीप सबसे बड़ी है। असम घाटी में ब्रह्मपुत्र द्वारा बहुत सारे द्वीप बनाए जाते हैं, जिनमें से माजुली माजुली यह सबसे बड़ा द्वीप है। माजुली यह सबसे बड़ा और विख्यात है, ठीक है, बहुत माना जाता है। अभी अभी इसको मिला हुआ कि माजुली द्वीप सबसे बड़ा रिवर द्वीप है, याद रखना रिवर नदी द्वीप है माजुली। यह पॉइंट आप लिखेंगे, नदी को ऐसा अंडरलाइन कर लेना, माजुली यह सबसे बड़ा नदी द्वीप है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे और भी कहीं पे ऐसी नदियां नहीं है जहां पे इतना बड़ा द्वीप बनता है। द्वीप मतलब चारों तरफ से जहां पे पानी होती है, तीन तरफ से होती है तो प्रायद्वीपीय पेनिनसुला, एक तरफ से होती है तो कोस्टल एरिया, ठीक है। तो चारों तरफ से होगा तो द्वीप, तो चारों तरफ से पानी है इसलिए इसको द्वीप बोलते हैं। तो माजुली रिवर द्वीप, माजुली नदी द्वीप यह सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। कहां का? विश्व का या भारत का, ठीक है, सबसे बड़ा द्वीप है। तो इतना हो गया आपका। तो अब रेड सॉइल क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, और मिट्टी में आयरन की मात्रा हद से ज्यादा होती है, और जिसमें आयरन की मात्रा ज्यादा होती है वो रेड सॉइल, जिससे रेड कलर का दिखती है। तो यहाँ पे जो मिट्टी दिखती है वो रेड कलर का होता है, और वहां पे बहुत अच्छी धान की खेती होती है। किसकी? धान की खेती होती है, इसलिए इसको रेड सॉइल भी बोला जाता है, ठीक है। भारत की लाल मिट्टी, लाल मिट्टी अलग होती है, टॉपिक अलग है लाल मिट्टी का, भारत में और भी जगह लाल मिट्टी है, बट यहाँ पे रिवर के साइड पे ऐसा लाल कम देखने को मिलता है, ठीक है। और ये आप लिख लीजिए कि ब्रह्मपुत्र रिवर सदिया से दुबरी तक फैली हुई है, सदिया में मिलती है तब इसका नाम ब्रह्मपुत्र ध्यान होता है, और जब इंडिया से निकलती है तब इसका नाम मतलब दुबरी से एंट्री मारती है, सॉरी निकलती है, एंट्री कहां से मारती है? दियंगर्ज से, और फिर सदिया से बहते हुए कहां तक आती है? दुबरी में यहाँ पे एंट्री मारती है, बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है बांग्लादेश में। तो इस शहर का नाम क्या है? तो अगर पूछा जाए एग्जाम में बताइए कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र रिवर किस जगह से एंट्री मारती है या किस जगह से प्रवेश करती है, तो दुबरी, ठीक है। माजुली द्वीप भूमि बहुत ज्यादा उपजाऊ है, मैंने आपको बताया वहां पे धान की खेती होती है। ये सारे पॉइंट्स आप लिखेंगे, मैं जितनी चीजें बोलता हूँ आपको लिखना है, क्योंकि कोई भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। मुझे ये सारे पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, बट फिर भी मैं एक बार चेक करता हूँ कि शायद कोई एक पॉइंट छूट तो नहीं गए, इसलिए मैं आपको नाम पे ज्यादा फोकस ना करके, क्योंकि नाम तो कभी भी याद हो सकते हैं, मैं ज्यादातर फैक्ट्स पे ध्यान देता हूँ कि कोई फैक्ट छूट ना जाए। अभी जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया ये फैक्ट छूट रहा था, बट फिर मैंने देखा तो मुझे याद आया, ठीक है, सदिया और दुबरी तक इसका विस्तार है, ठीक है। चलिए तो ये हुआ पॉइंट हमारा ब्रह्मपुत्र। अगले वीडियो में हम प्रायद्वीपीय रिवर के बारे में बात करेंगे, और फिर हमारा रिवर चैप्टर खत्म, इसके बाद मैं नए टॉपिक पे जाऊंगा, ठीक है। चलिए तब तक के लिए नमस्कार।